एक और ऐतिहासिक तथ्य जो मैं सदन के अपने साथियों के समक्ष रखना चाहूंगा कि 1950 में भी 31 जनवरी को ही अभिभाषण हुआ था। 31 जनवरी 1950 जब हमारे तब के महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से आते थे, देश के सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने अभिभाषण दिया था। तो 72 वर्ष बाद ये एक संयोग है, लेकिन 72 वर्ष के अभिभाषणों के दायरे में अगर सर सोचे तो कई चिंता की लकीरें हैं, और चिंता की उन लकीरों को हमने अभिभाषण के पक्ष में, अभिभाषण के दौरान नहीं देखा। इसलिए मैं शुरुआत करूंगा कि बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता। हमने तो सोचा था बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता। खैर, बहरहाल सर, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे पता है कि इस संदर्भ की गरिमा क्या है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक बहुत बड़ी चीज होती है, देश का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक दिशा और दशा देने की कोशिश होती है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन देश की दशा और दिशा से चिंतित अगर हम हैं तो अभिभाषण की पंक्तियों में भी वो चिंता की लकीरें दिखनी चाहिए थी। जब वो चिंता की लकीरें नहीं दिखती हैं तो एहसास होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि महामहिम सोते जागते, अपने सलाहकारों से बात करते, टेलीविजन देखते, सोशल मीडिया देखते, संवाद करते, क्या उनको नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं है? छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ दे दो। आपने लाठियां बरसाई। तो मैं ये सोचता हूं कि महामहिम के अभिभाषण में अगर इस तरह की चिंता ना हो तो सर भाषण ना कागज का पुलिंदा लगता है, और अच्छा नहीं लगता है उसे कागज का पुलिंदा कहना। दूसरी चीज, माननीय सभापति महोदय, कोरोना पर मैंने विस्तार से इस सदन में चर्चा की है। कोरोना को लेकर के भी जो चिंता आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब आइए अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने कहूं, बजट को उसके लिए मैंने तय किया हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि सन 50 से लेकर अब तक किसी की भी सरकार हो, मैं जानता हूं ये लिखा कहां जाता है, लेकिन जहां लिखा जाता है मैं आग्रह करूंगा कि अगर हम सोच सके, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को दलीय दायरों से ऊपर कर दीजिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण, कल को आपकी सरकार ना हो, ये मैं अपील बाकी लोगों से भी करूंगा जो सरकार में आएंगे, कल को, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, कभी तो आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सर अभिभाषण को एक नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट बनाइए, नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति हैं, उनके सरोकार में देश का सरोकार दिखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अब दिक्कत ये होती है ना माननीय सभापति महोदय, कि अभिभाषण में सर्वेश्वर की एक लाइन थी सभापति महोदय, अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। इसी यहीं रख करके बात मैं खत्म करता हूं इस संदर्भ के। सर, पैरा 4 माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का है, जो कहता है रिमेम्बरिंग द पास्ट एंड लर्निंग फ्रॉम इट। सर, इतिहास की एक अपनी स्मृति होती है, और स्मृतियों का एक इतिहास होता है, और विश्व इतिहास गवाह है सर, जिस किसी ने भी अतीत की स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। इतिहास नहीं बदला, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। नेताजी सुभाष बोस, अरे देश के नेताजी हैं, आपने उनको इंपीरियल कैनोपी में रखने का, अगर नेताजी कहीं से आ जाते हैं तो कहते कैनोपी मत रख भाई, दिलों में रख। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं नेहरू जी के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं बापू के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं तमाम उस दौर के लीडर्स के नाम। कहां कद था नेताजी का, नेहरू जी का, बापू का, पटेल का,
और विवेचना कौन लोग कर रहे हैं? मैंने इसी सदन में कहा था कि बौनी समझ के लोग लंबा इतिहास नहीं लिख सकते, लंबी 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 लकीर नहीं खींच सकते। एक बार चिंता करिएगा सर, मैं ये कह रहा हूं कि बापू के राम की संकल्पना करिए। अच्छा, इससे पहले एक हल्के में एक बात कहूं माननीय सभापति महोदय, मैं कभी कभी सोचता हूं 1952 में पहला चुनाव लड़ा हमने सर, 52 में हम पार्टीशन से निकल के आए थे, पीड़ा थी बहुत, लाखों लोग मारे गए उधर और लाखों लोग मारे गए इधर, लेकिन सर 52 का चुनाव हुआ था समावेशी विकास पर, रोजगार पे। 70 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं किस चीज पे, देख लीजिए। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पे नहीं होता, लेकिन हमारे यहां चुनाव पाकिस्तान के नाम पे होता है। अमन जी, अब मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो जीते जी मैंने नहीं पाया, भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दे दिया। ये मैं समझता हूं हम सब के लिए सर चिंता का विषय होना चाहिए। सर मैंने कहा था कि बापू के राम, जब इतिहास की बात करते हैं सर, ये किताब है प्रार्थना खंड, बापू की किताब है, बापू की प्रार्थनाओं का संकलन है। मैं आग्रह करूंगा सब पढ़ें। जब नोआखोले से लौट के आए बापू, बहुत पीड़ा थी, उन्होंने अपना प्रार्थना बदल दिया। वो प्रार्थना भजमन प्यारे सीताराम की जगह भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण और करीम के बीच में कटीली दीवार लगा रहे हैं, राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं। ये दीवारें आज हो सकता है ताली दिलवा रही हो, आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी, वक्त वक्त की बात है। बस एक बार सोचेगा जरूर, क्योंकि बापू पे माल्यार्पण आप भी करते हैं और बहुत, बल्कि आप चश्मे पे कर दिया, आपने महदूद कर दिया, बापू का चश्मा लीजिए, बापू को चश्मे में मत रखिए, ये मेरा आग्रह होगा। एक चीज तो ये थी सर। माननीय सभापति महोदय, कोविड के संदर्भ में मैं बोलूंगा, नहीं मैंने पहले ही कहा, इश्तेहारबाजी हो रही है। जो सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, जो सरकारें कोविड के वक्त में नदारद थी, सोशल मीडिया गवाह है, वो सरकार चार पन्ने का इश्तेहार दे रही है। अब पहले नेता लोग काम करते थे तो लोग कहते थे अरे सोच दम ईमानदार है, काम दमदार है, अब लगता है दूसरे का भरोसा नहीं, खुद ही छपवा दो, सोच ईमानदार काम दमदार। अरे लोगों को बोलने दीजिए। अब देखिए सर, दूसरी चीज कोविड के संदर्भ में मैं आपको कहूंगा, जब आप कहते हैं ना कि फलाने की तुलना में यहां इतने कम मरे वगैरह, 18 से तुलना करते हैं, सर जिन परिवारों के चिराग गुम हुए ना, उनके लिए मौत आंकड़ा नहीं है सर। मेरी बेटी की एक साथ में लड़की पढ़ती थी, दो बेटियां थी, माता पिता एक हफ्ते के अंदर दुनिया से चले गए, उसको नंबर बताएंगे हम कि ये आंकड़ा है तुम्हारे बाबूजी का, ये आंकड़ा है तुम्हारी मां का। ये नहीं होना चाहिए सर, इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो सकती है। ABP News आपको रखे आगे।